जय श्री कृष्ण बच्चों बच्चों आज हम लोग बायोन्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बायोन्ट फोर्स क्या होता है, मैं पहले तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद बायोन्सी की डेफिनेशन और बाकी जुड़ी हुई जो उससे बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बायोन्ट फोर्स जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई लिक्विड है और इसके अंदर एक कोई हमने मान लीजिए कि क्यूब डाल दिया है, लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, सॉलिड की डेंसिटी रो एस है, कोई सवाल नहीं है, ये बस एक समझाने के लिए आपको है कि क्या बायोन्सी का मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि लिक्विड है और इसके अंदर हमने एक क्यूब डाल दिया है और इसका हर साइड जो है वो स्मॉल एल के बराबर है और ये जो डिस्टेंस है एच के बराबर है, हर साइड स्मॉल एल के बराबर है, ये डिस्टेंस एच के बराबर है और जो इसका प्रेशर है वो पी नॉट है, प्रेशर पी नॉट के बराबर है, हर साइड जो है वो स्मॉल एल है, ठीक है, हर साइड जो है वो स्मॉल एल है और ये हाइट एच के बराबर है। अब ध्यान से देखें तो अब अगर इस क्यूब के ऊपर हम फोर्सेस देखें तो जैसे मान लो यही क्यूब है तो इस क्यूब के ऊपर जैसे लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड फोर्स लगाएगा, इधर से ऐसे लिक्विड प्रेस करेगा इसको, इधर से प्रेस करेगा, इधर से प्रेस करेगा, इधर से करेगा, ऊपर से करेगा, नीचे से करेगा। थोड़ा ध्यान से देखें तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बैलेंस आउट हो जाएगा क्योंकि हाइट सेम है इसकी, लिक्विड इधर से जितना फोर्स, ये एरिया भी सेम है तो जितना फोर्स इधर से लगा रहा है इतना इधर से लगा रहा है, बैलेंस आउट हो जाएगा, जितना इधर से लगा रहा है इस तरफ से और जितना पीछे से लगा रहा है वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे का फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ऊपर प्रेशर अलग होगा नीचे प्रेशर अलग होगा। अगर आप देखें यहां हाइट अलग है यहां हाइट अलग है तो ऊपर और नीचे का फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर से मान लेता हूं ऊपर से जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये जो फोर्स लगा रहा है ये मैंने मान लिया F1 लगा रहा है और नीचे से जो लगा रहा है वो F2 लगा रहा है। अब एक सवाल आता है इसमें कि F1 F2 में बड़ा कौन होगा, तो ऑब्वियसली F2 बड़ा होगा क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अभी अगर मैं F1 की वैल्यू लिखूं तो F1 जो आएगा ये बराबर हो जाएगा P0 plus रो एल into G, P0 plus रो एल इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया इसका कितना होगा एल स्क्वायर, पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच इंटू एल स्क्वायर, ये एफ वन हो जाएगा और एफ टू जो आएगा एफ टू ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच प्लस एल इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मैं यहां पे फोर्स देखूं तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस यहां का जो प्रेशर है इंटू एरिया और यहां पर देखूंगा तो यहां का जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी एच प्लस एल हो जाएगा इंटू एरिया। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालू तो नेट फोर्स जो आएगा नेट एफ टू माइनस एफ वन आएगा। अगर मैं लिक्विड इसके ऊपर हर तरफ से जितना भी फोर्स लगा रहा है उन सारे फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट निकालू तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये F2 माइनस F1 आएगा और F2 माइनस F1 अगर मैं करता हूं तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम लिक्विड जो बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो निकाल रहे हैं, धरती बॉडी पे कितना लगा रही है ये नहीं निकाल रहे हैं, जो लिक्विड ने बॉडी पे लगाया है इधर से लगाया इधर से लगाया इधर से इधर से वो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एमजी भी लग रहा होगा लेकिन हमारा पर्पज यहां पर फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी, लिक्विड जो बॉडी पे लगा रहा है वो निकालना है। तो इधर वाले तो कैंसिल आउट हो गए, इधर वाले भी कैंसिल आउट हो गए, ऊपर और नीचे के फोर्स बचे रहेंगे। तो अब मैं एफ टू माइनस एफ वन अगर करूंगा तो एफ टू माइनस एफ वन जो आएगा पी नॉट इंटू एल स्क्वायर, पी नॉट इंटू एल स्क्वायर तो ये हो जाएगा पी नॉट एल स्क्वायर प्लस रो एल इंटू जी, पी नॉट एल स्क्वायर प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच एल स्क्वायर प्लस रो एल इंटू जी इंटू एल क्यू माइनस पी नॉट एल स्क्वायर, पी नॉट एल स्क्वायर माइनस रो एल इंटू जी इंटू एच इंटू एल स्क्वायर। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू लिखी इसकी वैल्यू लिखी, ध्यान से देखें पी नॉट एल स्क्वायर से पी नॉट एल स्क्वायर चला जाएगा और रो एल जी एच एल स्क्वायर से ये चला जाएगा और ये जो बचेगा जो भी नेट फोर्स
जो भी नेट फोर्स एफ टू माइनस एफ वन की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है रो एल इंटू जी इंटू एल क्यूब, ये हो जाएगा। और इसी फोर्स को हम लोग बायोन्ड फोर्स कहते हैं। बायोन्ड फोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी, अगर किसी भी बॉडी को हम किसी भी फ्लूड में डुबोते हैं, फ्लूड वर्ड में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें लिक्विड और आपका गैस दोनों आ गए, किसी भी जैसे जैसे गुब्बारा होता है, हाइड्रोजन भरा गुब्बारा होता है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर उठता है, वो बायोन्सी की वजह से ऊपर उठता है, जो एयर की बायोन्सी होती है उसकी वजह से ऊपर उठता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूड के अंदर इमर्स करते हैं तो जो फ्लूड होता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर तरफ से नॉर्मल फोर्स लगाता है। ये नॉर्मल है, इधर से नॉर्मल, इधर से, इन सारे नॉर्मल्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं। और थोड़ा ध्यान से देखें तो रो एल लिक्विड की डेंसिटी है, ये जी हो गया, और एल क्यूब जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम है, या वॉल्यूम सबमर्ज्ड बोल सकते हैं हम लोग, और इस चीज को हम बायोन्सी कहते हैं। तो बायोन्सी को अगर हम डिफाइन करेंगे बायोन्ड फोर्स को, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूड में पार्शियली या फुली इमर्स करते हैं तो जो फ्लूड होता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल लगाता है, और उन सारे नॉर्मल्स का जो वेक्टर सम है उसी को हम बायोन्ड फोर्स कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करने जा रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से है, इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगा, ये इस तरह से नॉर्मल लग गया इसके ऊपर। ये सारे नॉर्मल्स जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जो हम फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं तो इसके ऊपर नॉर्मल लगता है, इन सारे नॉर्मल्स का जो भी रिजल्टेंट होता है उसे हम लोग बायोन्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को समझने जा रहे हैं। हाँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बायोन्ड फोर्स जो है, जैसे कोई भी बॉडी है तो उसको अगर हम किसी भी फ्लूड के अंदर आधा पूरा डुबोएंगे तो वो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, फ्लूड उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और इन सारे नॉर्मल्स का जो वेक्टर सम है ये यही बायोन्ड फोर्स कहा जाता है। बायोन्ड फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है कि जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, वैसे लिक्विड का कोई स्पेशल फोर्स है। ये लिक्विड जितना भी नॉर्मल लगाता है उन सारे नॉर्मल्स का जो रिजल्टेंट है उसी रिजल्टेंट को हम लोग बायोन्ड फोर्स कहते हैं, और बायोन्ड फोर्स की जो वैल्यू आती है वो सिग्मा एन के बराबर आती है। ठीक है, अब इस बात को मैं नोट भी कर रहा हूं, व्हेन एवर ए बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड, व्हेन एवर ए बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, इमर्स्ड इन ए फ्लूड, फ्लूड द फ्लूड अप्लाइज whenever a body is partially or fully immersed in a fluid, the fluid applies a normal force on it. Fluid applies a normal force on it. The vector sum of all these, the vector sum of all these normal forces is called Bayonne force. All these normal forces is called Bayonne force. इन सारे जितने भी नॉर्मल फोर्सेस हैं इन सबका जो वेक्टर सम होता है इसे हम लोग बायोन्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो बायोन्ड फोर्स होता है, जैसे इधर से लगा, इधर से सब तरह से लगा, तो इन सबका जो वेक्टर सम होता है इसी को हम लोग बायोन्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो बायोन्ड फोर्स होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? बायोन्ड फोर्स को हम लोग कहते हैं वी एस इंटू रोवेल इंटू जी इफेक्टिव। पूरी बात मैं बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है लिफ्ट अगर हमें बॉडी रखी हुई है तो अगर लिफ्ट में रखी हुई है तो जो जी इफेक्टिव आएगा वो लिफ्ट के हिसाब से आ जाएगा, जी इफेक्टिव जी प्लस ए या जी माइनस ए हो जाएगा। वीएस जो है वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ वॉल्यूम है, और रोएल लिक्विड की डेंसिटी है।
बायोंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सॉलिड की डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम अगर सेम है, डूबा हुआ वॉल्यूम सेम है, तो चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे रुई हो, चाहे जो हो, जो बायोंसी लगेगा वो सेम लगेगा। मतलब लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, वो सॉलिड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो जो बायन फोर्स है वो बराबर है वीएस इंटू रोएल इंटू जी इफेक्टिव, जहां पर वीएस जो है ये है वॉल्यूम सबमस्ट, वॉल्यूम सबमस्ट, Vs is volume submerged, rho l is density of liquid, liquid. Vs is volume submerged, rho l is density of liquid, g effective जो है effective, g effective तुम जानते ही हो, जी इफेक्टिव जान बताने की जरूरत नहीं, लिफ्ट के केस में जी प्लस ए या जी माइनस ए होगा, जो एनएलएम में जी इफेक्टिव आपको पढ़ाया था वही होता है। अब ये जो बायोंसी होता है इसका ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम संबंध जितना, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से अगर देखे तो जैसे लिक्विड इधर से भी फोर्स लगा रहा है, इधर से भी, लेकिन नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है तो नीचे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा, नीचे जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, तो नेट इसका जो डायरेक्शन आता है वो अपवर्ड आता है, जो भी बायन फोर्स का जो नेट डायरेक्शन आता है वो अपवर्ड आता है, ऊपर की तरफ आता है इसका डायरेक्शन नॉर्मल केसेस में। लेकिन अभी हम कोई अगर ऐसी लिफ्ट ले लें, उसके अंदर बर्तन ले, पानी भर दें और उसको 2g एक्सेलरेशन से नीचे लाएं, तो बायोंसी नीचे की तरफ लगने लग जाएगी। मतलब जिधर जी इफेक्टिव होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा जी इफेक्टिव जिधर भी है, जी इफेक्टिव डाउनवर्ड होता है नॉर्मली, तो जी डाउनवर्ड है, तो नॉर्मली अगर डाउनवर्ड तो बायोंसी ऊपर की तरफ होगी। लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि हम कोई ऐसा बर्तन है उसको भर भर के पूरा सील पैक करके 2g से नीचे लाएं, तो 2g से अगर नीचे लाएंगे तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा ना, g-2g अपवर्ड हो गया, तो जो बायोंसी होगा वो डाउनवर्ड लगने लग जाएगा। तो बायोंस, अरे भाई लिफ्ट है लिफ्ट को 2g से नीचे ला रहे हैं, उसमें पानी यानी भरा हुआ है, तो जी इफेक्टिव g-2g कितना, -g हो गया ना, तो ऊपर की तरफ हो गया वो, ठीक है, तो जो बायोंसी होगा डाउनवर्ड लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बायोंसी जो बायन फोर्स जो होता है, एक मिनट, लिफ्ट को अगर हम 2g से नीचे ला रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में 2g, हाँ बिल्कुल सही है, 2g से नीचे ला रहे हैं तो बायोंसी डाउनवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला मैंने। तो ये अच्छा, बायोंसी को आप कैसे फील कैसे कर सकते हैं, ये फोर्स होता क्या है, जैसे कई बार आप नदी तालाब स्विमिंग पूल समुद्र कहीं भी अब अगर आप जाएं, तो जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल है, पूल के अंदर आप इंटर कर रहे हैं, तो जब आप इंटर करेंगे तो इंटर करने के साथ साथ जब तक पानी थोड़ा बहुत आपके पैरों पे आएगा, जब पानी यहां तक आ जाता है या यहां तक आ जाता है, तो हल्का हल्का हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे भार में कमी हो रही है, हमारा वेट कम हो रहा है, सब फील करते हैं। फिर उसके बाद जो है और अंदर जाते हैं तो और ज्यादा वेट में कमी आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जब पानी के अंदर जाते हैं तो इतना एक्साइटेड रहते हैं, इतना छू छपाक और चीखने चिल्लाने लगते हैं कि उसे भूल जाता है, इतना आदमी सोचता नहीं है। तो जैसे पानी के अंदर आप जाइए, तो पानी के अंदर जैसे जैसे आपका वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आपको अपना वजन कम लगने लगेगा। इतना डूबा है तो आपको अपने वेट में फीलिंग आएगी, इतना डूब जाएंगे तो वेट बहुत कम लगेगा, जब पूरा यहां तक डूब जाता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हल्का सा पैर से टच कर दो तो ऊपर चले जाते हैं। तो उसका कारण क्या है भाई, बायोंसी ऊपर की तरफ लगेगा, एमजी को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो बचे होगा वही हमारे पैरों का नॉर्मल होगा। तो बायोंट फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लगता है और जितना डूबा हुआ वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पानी के अंदर आप गए, मान लीजिए फील नहीं आया, लेकिन जब आप घंटे आठ घंटे नदी या स्विमिंग पूल जहां भी आपने नहाया, नहाने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब ये तुरंत फील आ जाता है कि जैसे बाहर आप निकलेंगे तो एकदम से ऐसा लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया है, ये फीलिंग आती है। जैसे ही बाहर आप निकलेंगे एकदम पैर रखे ही नहीं रखाएंगे, बिल्कुल एकदम भारी भारी हो जाते हैं पैर। तो क्या वो बहुत देर पानी के अंदर रहने के अब की वजह से हमारे पैरों पर नॉर्मल लगना कम हो जाता है, तो हमारा हम यूज टू होने लगते हैं उसके, फिर जैसे ही बाहर आते हैं तो हमको लगता है यार कि एकदम से हमारा वजन बढ़ गया। तो वॉल्यूम सबमर्ज पर डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कितना है, और ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि जो बॉडी है कितना डूबी हुई है। आप अगर उसको थोड़ा सा डुबोगे या पूरा डुबो दोगे, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में वॉल्यूम सबमर्ज अगर नहीं चेंज हुआ तो हाइट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो वॉल्यूम सबमर्ज रो एल इनटू जी इफेक्टिव, यूजुअली जो बायोंसी फोर्स होता है इसी को हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट नाम भी दिया जाता है, और आमतौर पर इसका जो डायरेक्शन होता है वर्टिकली अपवर्ड होता है। यूजुअली केसेस हम बना सकते हैं जहां डायरेक्शन अपवर्ड ना भी हो, लेकिन यूजुअली इसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होता है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, यूजुअली डायरेक्शन ऑफ Direction of bio force is
वर्टिकली अपवर्ड्स। सवाल यह है कि एक लोहे का क्यूब है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये पानी आपको दिख रहा है उसके अंदर पूरा डूबा हुआ है, और क्यूब का जो हर साइड है, हर साइड जो क्यूब का है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ आयरन दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और क्यूब ऐसे डुबोया हुआ है कि पानी नीचे के सरफेस पे टच कर रहा है, ऐसा मत मानो कि यहां मतलब पूरा बॉटम जो है वो भी वेट है, ऊपर भी वेट है, नीचे किनारे बॉटम पूरा वेट है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड फोर्स बाय द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फाइंड फोर्स बाय द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फाइंड फोर्स बाय द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फाइंड फोर्स बाय द बॉटम ऑफ द कंटेनर ऑन द आयरन क्यूब। कंटेनर का बॉटम जो है, बर्तन जो है उसका जो बॉटम है वो आयरन क्यूब पे कितना फोर्स लगा रहा है। क्यूब का हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है ये बता रखा है, और पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लोहे की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो कंटेनर का बॉटम है वो आयरन क्यूब पे लगा रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या है कि ये जो क्यूब है इसके ऊपर एक तो इसका अपना वेट एक्ट कर रहा होगा, देखेंगे जरा ध्यान से, उसके अलावा इसके ऊपर एक लिक्विड की बायोंसी एक्ट कर रही होगी अपवर्ड, और वेट अगर ज्यादा होगा तो ये नीचे आना चाहेगा, तो बॉटम इसके ऊपर कुछ नॉर्मल भी लगा रहा होगा, वो नॉर्मल जो है नॉर्मल और बायोंसी ऊपर लग रही होगी और इसका वेट नीचे एड कर रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एन प्लस बी इज इक्वल टू एम जी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस बी आ जाएगी, एम की जो वैल्यू आएगी वो एम जी माइनस बी आ जाएगी। अब एम जो है एम मास, ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो मास की वैल्यू आएगी ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर आ गई, ठीक है। अब डेंसिटी कितना है, डेंसिटी जो लोहा है उसकी डेंसिटी है 7.8 × 10³, ये समझने वाली बात है। सीजीएस में अगर 7.8 है तो एमकेएस में उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7.8 × 1000, तो एम ये हो गया डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा 0.1 का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होगा 0.1 का क्यूब इंटू जी, माइन जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। अब बायोंसी होगा वॉल्यूम समझ, पूरा का पूरा ही डुबो दिया उसके अंदर, जरा सा भी नहीं बचा है, तो जब पूरा का पूरा डुबो दिया तो वॉल्यूम समझ कितना हो गया 0.1 का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 हो गई इंटू 10। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 78 माइनस 10 आ रहा है ना ये, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 68 न्यूटन के बराबर है, नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी 68 न्यूटन के बराबर है।